क्या कर रही हो? मैं हूँ, मैं। सब ठीक है। वो हमने एक बुरा सपना देख लिया था। हाँ, आप सो जाओ अम्मा, सब ठीक है। ये क्या तरीका है कमरे में आने का? पता है हम कितने डर गए थे। और कैसे आता? अम्मा ने घर के प्रवेश द्वार पर प्रवेश निषेध का आदेश चिपका दिया है, तो कैसे भीतर आता? तो फिर आए क्यों? आए क्यों? ये कैसा प्रश्न है शारदा? उधर महाराज ने दरबार से निकाल दिया, इधर अम्मा ने घर से निकाल दिया। अब तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा तो और कहां जाऊंगा? वैसे भी बाकी बातें अपनी जगह और हमारी पहली मिलन की रात्रि का मुहूर्त अपनी जगह। रुक जाओ! अरे अरे छोड़ो इसे! अरे मत मारो, ये चोर नहीं है। अम्मा के लिए अगर चोर है तो चोर की तरह घर में क्यों घुसा? अरे घर में ये नहीं घुसा, घर में हम घुसे हैं। अरे वाह, खेती तुमने कहा लगते मत। सुजी, आप यहाँ? सबसे पहले तो आपके घर में यूं चोरों की तरह घुसने के लिए हम खेद प्रकट करते हैं। क्या करें, हम ठहरे महामंत्री और आपको दरबार से निष्कासित कर दिया गया है। तो दिन में यूं साधारण तरीके से भेंट करना संभव नहीं था, इसलिए हमने। कोई बात नहीं मंत्री महोदय, ये भी तो आप ही का घर है, परंतु मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपको यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाना पड़ा। आप अच्छी तरह से जानते हैं रामाकृष्णा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। आज दरबार में जो कुछ हुआ वो आपसे छिपा नहीं है। आज सोने के आम बांटे जा रहे हैं रामाकृष्णा, कल सोने के घोड़े, सोने के ऊंट और यहाँ तक के सोने के हाथी तक बांटे जाएंगे, और इस तरह हमारे राज्य का राजकोष खाली हो जाएगा। इस कुरीति को रोकना होगा रामा तुम्हें, इस प्रपंच पर अंकुश लगाना होगा। क्षमा करें मान्यवर, परंतु मैं तो केवल एक विदूषक हूं, और अब तो निष्कासित विदूषक, मैं भला क्या कर सकता हूं? आप कर सकते हैं रामकृष्ण, और केवल आप ही कर सकते हैं। आपके बुद्धि कौशल का अनूठा अनुभव है हमें। कोई सीमा, कोई दंड, कोई बंदिश आपको रोक नहीं सकती रामा।
ये आप ही को करना है रामकृष्ण, महाराज के लिए, इस राज्य के लिए, सत्य की जीत के लिए। और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। नहीं जानता कि आपके इस विश्वास की कसौटी पर मैं कितना खरा उतरूंगा, परंतु महाराज के लिए, इस राज्य के लिए और सत्य की जीत के लिए मैं प्रयास अवश्य करूंगा। संभवतः यही वो लक्ष्य है जिसके लिए मैं यहां आया हूं। देखते हैं क्या किया जा सकता है। बधाई हो गुरु जी, आपके बैठने का मुहूर्त आ गया है। जी प्रभु, आज हमारा प्रण पूरा हुआ। प्रभु, 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 अरे प्रभु, हम तो बताना ही भूल गए, आपसे मिलने कोई रामकृष्ण आए हैं, बाहर ही खड़े हैं। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण आपसे क्यों मिलने आए हैं? आया होगा अपनी पुनः नियुक्ति की याचिका लेकर। वो जानता है ना, हम महाराज से कहेंगे तो महाराज इनकार नहीं करेंगे। लगता तो नहीं है, सब आप जैसे कैसे हो सकते हैं? इसका कहने का अर्थ है कि सब आप जैसे महान कैसे हो सकते हैं गुरुजी? तो उनसे हम क्या कह दें स्वामी, वो बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। करने दो प्रतीक्षा, करने दो। तनी मनी, जाओ जाकर उसे कह दो कि ये तथाचार्य के सोने का समय, राजगुरु सो रहे हैं। कहिए क्या काम है? आपके गुरुजी से मिलना था बंधुवर। नहीं मिल सकते हमारे गुरुजी आपसे। हमारे गुरुजी ने कहा है कि हम आपसे कह दें कि वो सो रहे हैं। मतलब सोने से पहले कहा था कि सोने जा रहे हैं। अब तक तो सो भी चुके होंगे वो। मुस्कुरा क्यों रहे हो? अरे नहीं नहीं, बड़ी निराशा हुई जानकर कि राजगुरु तथाचार्य से भेंट नहीं हो पाएगी। क्यों, निराश होते हो तो मुस्कुराते हो? नहीं नहीं, असल में राजगुरु तथाचार्य को निमंत्रण देना था। कल मेरे स्वर्गीय पिताश्री की पुण्यतिथि है तो पंडितों को भोजन कराना था। अब महान राजगुरु तथाचार्य से बड़ा पंडित और कौन हो सकता है? तो सोचा था कि यदि वो मेरे निवास स्थान आकर भोजन ग्रहण कर लेते तो बड़े सौभाग्य की बात होती मेरे लिए। गुरुजी अवश्य पधारते, पर क्या करें, सो रहे हैं। कोई बात नहीं बंधुवर, परंतु दुख तो इस बात का है कि ये सोचकर कि राजगुरु मेरे निवास स्थान आएंगे, मैंने उनके लिए न जाने कितने सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनवा लिए थे। जैसे? जैसे पायसम, शुद्ध देसी घी का बना गाजर का हलवा, पेसरट्टू, बैंगन का चटपटा भरता, पूरी, भाजी, बूंदी मिठाई, काजू का बना पोथरो कुल्लू, बादाम वाली खीर, मधुगुला हलवा और भी न जाने क्या क्या स्वादिष्ट व्यंजन एकदम। परंतु लाभ क्या इन बातों का, राजगुरु तथाचार्य तो आएंगे ही नहीं। आएंगे, जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो जी नहीं जा पाएंगे, माथा पीटो फिर भी नहीं जा पाएंगे, सर फोड़ो अपना फिर भी नहीं जा पाएंगे, आवश्यक काम है गुरुजी को। अच्छा वो सब तो ठीक है, दुर्भाग्य मेरा, परंतु आप दोनों तो आ ही सकते हैं। गुरु ना सही, शिष्य ही सही। अभी चले? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, कल, पुण्यतिथि तो कल है ना। आ गए, समझो पहुंच गए, समझो पहुंच के बैठ गए। बस बस बस, समझ गया समझ गया, अब आज्ञा दीजिए बंधुवर, आज्ञा दीजिए। हमारी प्रतीक्षा करना आप। क्या लगता है रामा, आएगा ये तथाचार्य? आना तो चाहिए बंधु, केवल इसी के लिए तो कल की इतनी सारी तैयारियां की हैं। कल के भव्य आयोजन के मुख्य अतिथि तो यही हैं।
देखते हैं आते हैं या नहीं। आनंद आ गया, क्या तो स्वादिष्ट भोजन है यहाँ। और वो हमारा कपटी बुड्ढा, अरे भाग्य ही खराब है उसका, इस समय यहाँ पर आ गया होता तो हमारे साथ बैठकर इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा होता। अकड़न लोगों के साथ ऐसे ही होता है, अकड़ अकड़ में अकड़े रह जाते और हाथ में कुछ नहीं लगता। हमारा बुड्ढा हमारे साथ होता तो मजे मार रहा होता। भाई कोई भरोसा नहीं है उसका, क्या पता यही पे आ गया हो किसी को बिना बताए, और यहीं के आस पास चादर कंबल ओढ़े बैठा हो, या फिर जो पीछे पीछड़े बैठे वही तो नहीं पूछ। अरे सुन बटे पुनाने कंबल, पर तू ही तो नहीं है हमारा कपड़ी गुरु। अरे जल्दी बटे बात तो नहीं सुन रहा हमारी बेटा। अरे मना तो कर रहा है, हमारा बुढ़ऊ नहीं है भुक्खड़ वाला। कुछ देखा रामा? देखा तो सही। तथाचार्य वो क्या कोने में कंबल ओढ़कर बैठे हैं? तुझे पता है? अरे जब आ गए थे तभी देख लिया था। तो अब रामा? अब क्या, बस भोजन समाप्ति की प्रतीक्षा है। कैसा रहा भोजन मान्यवरों? बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया लाजवाब भोजन था, मजा आ गया। धन्यवाद। आओ भगत में कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं, नहीं, नहीं। कोई त्रुटि, कोई शिकायत? पूर्णतया संतुष्टि तो हुई ना? भगवान आपके स्वर्गीय पिता की आत्मा को शांति प्रदान करे। अच्छा अब हम सब आपसे विदा लेते हैं, चलो भाई चलो, महल भी तो जाना है महाराज से मिलने। आप लोगों ने अपने अपने सोने के आम तो ले लिए हैं ना? महाराज आज एक एक सोने के आम के बदले एक एक दर्जन आम देने वाले हैं। चलो चलो जल्दी चलो। अरे अरे रुके 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 बंधुआ रुके, भोजन तो हो गया परंतु मेरे पिताजी की पुण्यतिथि की सभी औपचारिकताएं अभी कहाँ पूर्ण हुई है, अभी तो कुछ और भी बाकी है खिलाना आप सभी को। नहीं नहीं बंधुवर नहीं, अब तो लेश मात्र भी जगह नहीं बची है पेट में। अरे अरे कोई बात नहीं बंधुवर, बात फिर भी बन जाएगी, जरा सा धैर्य रखकर मेरी बात तो सुनिए। आप सब मेरे स्वर्गीय पिताजी की पुण्यतिथि पर यहाँ पधारे, भोजन ग्रहण किया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। आप सब पंडित गणों को ये तो ज्ञात होगा ही कि किसी की भी पुण्यतिथि तब तक संपूर्ण नहीं हो जाती जब तक दिवंगत आत्मा की अंतिम इच्छा की पूर्ति ना कर दी जाए। मैंने यथासंभव अपने स्वर्गीय पिताजी की सभी अंतिम इच्छाओं को पूर्ण तो कर दिया है, परंतु अभी भी एक अंतिम इच्छा शेष रह गई है, तो यदि आप थोड़ी देर रुक जाएं तो मैं वो इच्छा भी पूर्ण कर लूं, उसके बाद आप सभी प्रस्थान कर सकते हैं। अवश्य अवश्य, आप अपने पिता की इच्छा पूरी कीजिए, तब तक हम लोग यहीं रुकते हैं। क्यों वैसे आपके स्वर्गीय पिताजी की क्या इच्छा थी जो आप पूरा करना चाहते हैं? अभी बताता हूँ। क्या कह रहा है ये नाला है? अब कौन सी अंतिम इच्छा बाकी रह गई? पता नहीं अम्मा, पर हमें तो किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। बिल्कुल, हम लोग पंडित तक कुछ ना कुछ पुरस्कार तो बनता है ना हम लोगों के लिए। मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि मैं उनकी पीठ पर 100 छड़ी मारूं। ये क्या कहने मानने वाला, नहीं मतलब
क्या अर्थ है आपकी इस बात का? बड़ा ही सरल सा अर्थ है बंधुवर। जिस प्रकार आपने मेरे पिताजी की पसंद का भोजन खाया, उसी प्रकार उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए इस छड़ी की 100-100 मार खाइए। ये क्या मजाक कर रहे हो पंडित? ये कोई बात हुई? ऐसा थोड़ी ना होता है। 100-100 छड़ी की मार कौन खाएगा मला? आप खाएंगे मान्यवर। और आप तो महान पंडित राजगुरु श्री तथाचार्य के प्रिय शिष्य हैं, तो शुरुआत आप ही से करते हैं। अम्मा, ये क्या हो रहा है? अब तो इस मूर्ख को फांसी होकर ही रहेगी। अरे कोई रोको इसे। आज तूने अपनी सारी सीमाएं लांघ ली दुष्ट। हम जानते हैं, जानबूझकर किया है तूने। ये षड्यंत्र है तेरा हमें अपमानित करने का, इन सब के सामने नीचा दिखाकर प्रतिशोध लेने का। ठीक नहीं किया तूने पंडित। तेरे इस अक्षम्य अपराध के लिए देवता तो तुझे दंड देंगे ही, लेकिन इस धरती पर भी तुझे क्षमा नहीं मिलेगी। तेरी इस नीच हरकत के लिए तुझे क्या दंड मिलना चाहिए, इसका निर्णय महाराज करेंगे। आज करेंगे, अभी करेंगे। महाराज, ये हमारा अकेले का अपमान नहीं है, ये तुलवा कुल की मर्यादा, तुलवा कुल के संस्कारों का अपमान हुआ है। तुलवा कुल ने सदैव अपने प्राणों से भी अधिक हम पंडितों के सम्मान और मर्यादा की रक्षा की, और आज एक उदंड पंडित ने तुलवा कुल के इतिहास को कलंकित किया है। इसे दंड दीजिए महाराज, और यदि इसे दंड नहीं दिया गया तो ये तुलवा कुल के गौरवशाली मस्तक पर एक ऐसा कलंक होगा जिसे तुलवा कुल की पीढ़ियां भी अपने प्रायश्चित से धो नहीं पाएंगी। इसे दंड दीजिए महाराज, ऐसा ऐतिहासिक दंड दीजिए जिसकी गूंज शताब्दियों तक इस महल के कोने कोने में गूंजती रहे। हमें न्याय दीजिए महाराज, न्याय दीजिए हमें। न्याय मिलेगा आचार्य वर, न्याय मिलेगा, अभी इसी समय मिलेगा। मंत्रीवर महाराज, सिपाहियों की एक टुकड़ी भेजिए पंडित रामकृष्ण के घर, और अभी इसी समय उसे बंदी बनाकर यहां हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज। क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु रामकृष्ण इस समय घर पर तो नहीं मिलेंगे।
कौन है ये दुष्ट? कौन है इसने हमारे और महाराज के बीच में बोलने का दुस्साहस किया? अभी सामने आए। जी मैं यहां हूं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.